पद यात्रा शुरू हो चुकी है। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं। चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं उससे जुड़ी कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। संदीप जी, 10 सालों से ये सीट आपके पास है, लेकिन जो तीसरा टर्म है, पिछली बार जो अंतर था वोटों का 2.5 लाख के अंतर से चेतन चौहान जी को आपने हराया, इस बार बीजेपी की तरफ से महेश गिरी एक नए चेहरे को आपके सामने खड़ा किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को आप? मैम ऐसा है, वो तो अपने किसी न किसी कैंडिडेट को भेजेंगे। महेश गिरी जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन हमारी फाइट तो बीजेपी से है इस शहर में, क्योंकि और साथ ही क्योंकि आप विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर कह रहे हैं बदले हुए हालात है, उसी की हम ये बात करें कि खासतौर से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूर्वी दिल्ली, इसके अंदर जब विधानसभा क्षेत्र का जब 5 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई, तो आप कुछ देखते हैं कि इसकी आम आदमी पार्टी की वजह से भी समीकरण बदलेंगे? नहीं, सीटें भले ही वो 5 ले गई हों, लेकिन वोट उनको कांग्रेस से कम मिला था। इस सीट पर हम लोग बीजेपी से 30,000 पीछे थे और आम आदमी पार्टी से 17,000-18,000 वोट आगे थे, तो उस वेव में भी वो हम लोगों को ओवरऑल ईस्ट दिल्ली में हमसे पीछे रहे, और अब तो उनका वोट ग्राफ कम होता जा रहा है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो मुकाबले में नहीं है जी। और जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो आपके परंपरागत वोटर्स रहे हैं खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, या फिर उनका भी बदलाव अब होता जा रहा है, उनको रोकने के लिए क्या कोशिश है? उनका नहीं बदलाव ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैम इन्होंने क्या किया था, आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ खड़े होकर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि हम ही मोदी जी के खिलाफ है, बात की, जबकि इन्होंने 2002 जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य हमारी ऑब्जेक्शन है मोदी जी की, उसके बारे में तो कभी कुछ कहा नहीं। जो पार्टी हर जगह टोपी पहन के पहुंच जाती है, मुजफ्फरपुर रायट में बिल्कुल गायब थी, तो सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है उनको, तो विकास के, भ्रष्टाचार के, इधर उधर के नाम से बस वोट बटोर सकें। आज उनको माइनॉरिटी दिख रही है, माइनॉरिटी की तरफ चले जाएंगे, कल कुछ और दिखेगा उस तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि तीसरे टर्म की जीत को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह से? पूरी तरह आश्वस्त हैं। अपने पिछले कार्यों को देखते हुए और साथ ही कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा समीकरण में बदलाव नहीं होंगे, इसलिए जीत को लेकर संदीप दीक्षित पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ढोल लगाड़ों की आवाज के साथ संदीप दीक्षित पैदल ही लोगों से अपने लिए वोट मांगने निकल पड़े। एक तरफ संदीप दीक्षित की वोट यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ रिपोर्टर हिमांशी सिंह इलाके में लोगों की समस्याओं की पड़ताल करने लगी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की अगर कुछ खासियत है तो उसकी कुछ खामियां भी हैं, वो हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं। पानी का जल जमाव, इसके अलावा ठीक से पानी की निकासी ना होना, सीवेज की प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ की जनता काफी लंबे समय से जूझ रही है। और इस बार वोट देने का आधार ये भी ज़रूर होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे वक्त से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, लोगों को इस समस्या को लेकर भी काफ़ी आक्रोश है। मैडम पिछले लास्ट 6 महीने से पानी की इतनी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर, हर्षवर्धन जी भी चक्कर लगाते हैं, प्रवीण दीक्षित जी भी आ जाए हैं, लेकिन किसी ने रुक कर ये नहीं पूछा कि भाई आप लोगों को क्या परेशानी है यहाँ पर। देखिए इस बार हम जो सोच समझ कर वोट देंगे, जो हम लोगों के लिए आम जनता के लिए काम करेगा उसी के लिए वोट करेंगे। देखिए हमारे संदीप दीक्षित जी यहाँ के MP हैं, यहाँ के लिए बहुत काम किया है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, सड़कें नालियाँ सब बनी हुई हैं। इस इलाके की समस्या तो समस्या ही समस्या है देखा जाए तो। अभी जैसे आ रहे थे, मुझे नहीं पता था कि भी आ रहे हैं, फटाफट झाड़ू भी लग गया थोड़े समय, आप देख रही हैं। जो देश की सेवा कर सके कुछ भी दिन बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन देखो बदलाव के बाद क्या होता है, बदलाव होता आया है फिर मामला वहीं कहीं रुक जाता है। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर बदलाव कब होगा। सड़कों पर गंदगी के बीच ही संदीप दीक्षित की वोट यात्रा आगे बढ़ रही थी। मैडम मुझे कोई इन लोगों से इंटरेस्ट नहीं है सीधी बात है, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं करता हम लोगों के लिए, हमारे वोट की कीमत हमें पता है, मगर इन लोगों को हमारे हमारी कीमत का पता नहीं, तो फिर फायदा क्या। 5 साल में एक बार आते हो यहाँ पे नज़र, उसके बाद कुछ करो सही ना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ आके कोई तो आदमी कुछ करेगा, हाँ जी बीजेपी है या कांग्रेस है कोई भी है, दूसरे पे हरेक इल्जाम लगा देता है। चूंकि संदीप दीक्षित जी इस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं उन्होंने गिनाई उस पर हम संदीप दीक्षित जी से ही जवाब चाहेंगे।
संदीप जी, हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात की कि 10 सालों से ये जो सीट है वो आपके पास है, इस बार वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो जो समस्याएं उन्होंने गिनाई वो गंदगी को लेकर बेहद परेशान है और इसी चीज़ को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं, तो लोगों को क्या जवाब आप देना चाहेंगे? सही बात है, गंदगी यहाँ दिक्कत है। अनफॉर्चुनेटली 7-8 साल से MCD हमारे पास नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है MCD का कहीं तो कोई सिस्टम चले। मैम, बाहर के जो इश्यूज़ हैं, जो बड़ी रोड्स का आना था, यहाँ सामने एक मेट्रो का लाना था, पीछे मोनोरेल लगवाना था, वो तो हम लोगों ने करवाया कि कम से कम अगर अंदर नहीं तो ये बेसिक डेवलपमेंट हो जाए तो एरिया का एक प्रोफाइल चेंज करेगा। मैम जी, एक और शिकायत है, वो कहते हैं कि चुनाव के वक्त तो आते हैं नेता लेकिन उसके बाद हमें 5 साल तक दिखाई नहीं देते। ये खुद का कहा, ये एरिया तो मैंने बहुत विजिट किया, इनफैक्ट मेरा वीकली ऑफिस यहीं है, यहाँ से करीबन 200 मीटर पे हर हफ्ते मैं बैठता हूँ। और तो वो तो मैम लोग अपना कहेंगे, स्वाभाविक है, किसी को अगर लगता है नहीं आ पाए तो उससे तो मैं उनको माफ़ी मांगो, लेकिन हम लोग ग्राउंड करते रहते हैं। जिस तरह का आप चुनावी शेड्यूल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता है। नहीं, ये तो दादाज पे खा गया मैं नॉर्मली, आई डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड, बट आई टेल यू मैम, हमारा ये जो एरिया है दिल्ली में भले चांदनी चौक फेमस हो, अच्छे खाने के लिए इससे बेहतर कोई एरिया नहीं है। तो चलिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सीधे तौर पर जनता से जुड़ने की, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। अभी भी आश्वस्त दिखाई देते हैं बावजूद इसके कि कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं, और इस बात से भी उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है कि 5 साल में कुछ ही बार नजर आते हैं, इक्के दुक्के बार नजर आते हैं सांसद। वो कहते हैं कि मेरा ऑफिस भी यही है, मैं यहाँ लोगों से रोजाना मुखातिब भी होता हूँ, और जिस समस्याओं का को गिनाया जा रहा है, जिन समस्याओं को वो गिना रहे हैं, उन समस्याओं के लिए सीधे तौर पर सांसद के हाथ बंधे हुए होते हैं, MCD सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है। तो आगे भी ये पदयात्रा बनी रहेगी और हम इस पूरे सफर में उनके साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप दीक्षित मुस्कुराते हुए अपने लिए वोट मांग रहे थे, इसी बीच उनका एक कर्मठ कार्यकर्ता हमें मिला। उनसे पता चला कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नेता जी के कार्यक्रम में एक पूरी टीम काम करती है कि जिस इलाके में भी वो प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ पूरी तैयारियाँ पहले से की जाए, साथ ही साथ उनका जायजा करके पूरी तरह से तैयार रखा जाता है। ऐसे ही उनकी एक और टीम के सदस्य हमारे साथ है सुरेंद्र जी, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन तैयारियों को वो पहले करके रखते हैं नेताजी के पहुँचने से पहले। सुरेंद्र जी, जब इस इलाके में आने वाले थे तो पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप, क्या क्या तैयारियां करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता होता है, हम उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, और जो हमारे विकास के रूप में हमारे संदीप दीक्षित जी ने जो हमारे कार्य विकास कार्य किए हैं उनके कार्य को देखते हुए लोग सुबह 7:30 बजे का टाइम था, 7 बजे आना शुरू हो गए। और अभी मैं दिखाता हूँ, रात को 12:15 बजे मेरे पास संदीप दीक्षित जी के यहाँ से फोन आया, यानी क्या तैयारी हुई है क्या नहीं है। हम जितना ध्यान रखते हैं उनके कार्यालय से भी उतना ही सपोर्ट हमें मिलता है, तो इसीलिए हमें बल मिलता है, हम अपना क्षेत्र में काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। यानी कि जितनी चुनौती नेताजी के लिए है जनता का मत अपने पक्ष में करने के लिए, उतनी ही चुनौतियों भरा काम इनकी कोर टीम के जो सदस्य हैं, कोर टीम के सदस्यों के लिए भी होता है, क्योंकि 24 घंटे तक भी इन्हें काम करना पड़ता है। ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक पूरे नेताजी के साथ साथ पूरी टीम का किस तरह का काम होता है चुनाव प्रचार में सहयोग करने के लिए। संदीप दीक्षित हाथ जोड़कर चल रहे थे, इमारतों की तरफ देखते हुए अपने लिए वोट मांग रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता ने माइक हाथ में लिया और संदीप दीक्षित का गुणगान करना शुरू कर दिया। प्रदीप जी और सभी साथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने माननीय सांसद संदीप दीक्षित जी का यहाँ पर तो तहे दिल से स्वागत किया है, उसके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय संदीप दीक्षित जी ने जिस प्रकार से गोपाल पार्क के अंदर सारी की सारी पानी के लाइनें बनवाई, पार्क के अंदर नई घास लगवाई, नए गेट बनवाए, नए फुटपाथ बनवाए, लाइटें लगवाई, इस प्रकार से जो संदीप दीक्षित जी ने इस इलाके के लिए काम किया है वो यहाँ के सभी लोग अच्छी भली भांति जानते हैं। वहाँ तो दिक्कत क्या है कि वहाँ कुछ लोगों ने नरगल, खासकर आम आदमी पार्टी ने, तो बहुत बड़ा विरोध किया, सड़कों पे उतर गए,
और ये जाने बगैर कि कोई इनोसेंट है कि नहीं, कोरी राजनीति के चक्कर में कुछ लोकल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहाँ राजनीति की, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा उनसे ये सवाल पूछा जाए, केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाए कि जब पता नहीं है आपको कि कोई इनोसेंट है कि नहीं, तो किस बेसिस पे आप इस तरीके का ड्रामा कर रहे थे?